हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर हम कुछ सामान लेके आते हैं, कुछ महंगा सामान लेके आते हैं, कुछ सस्ता सामान लेके आते हैं। महंगा बहुत लंबा चलता है, सस्ता जल्दी खराब होने के चांस रहते हैं, ये खराब भी हो जाता है। दोस्तों, अगर हम जब महंगा सामान ले लेते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, पर वो खराब भी नहीं होता, इसलिए लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक मार्केट का है। अगर स्टॉक मार्केट में 1000 के आप 1000 शेयर ले लेंगे, 1 रुपये के शेयर ले लेंगे, आपके दिल में डर बना रहेगा कभी ये कंपनी बंद ना हो जाए, कभी कुछ ना हो जाए, 1 रुपये का शेयर लिया मैंने। दोस्तों, ऐसे ही अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपने आना है, अगर ये आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी क्वालिटी का शेयर लो, चाहे 1000 में 1 शेयर आए। अगर आप कोई पैनिक स्टॉक ले लेंगे, कल को आपको नुकसान होने का खतरा रहेगा। अगर 100 शेयर 100 रुपये में ले लिया, अगर कल को कंपनी बंद होगी, आपकी 100 रुपये तो चले गए। अगर आप अच्छा एक शेयर ले लोगे, चाहे वो 500 का है चाहे 5000 का है, आपके दिल में डर नहीं रहेगा कि मैंने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, अगर आप अच्छा स्टॉक लेंगे, भूल जाओगे, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा स्टॉक मार्केट से। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे स्टॉक का एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल, उसकी CGR और मार्केट कैप्चर और पीछे से क्या किया है, पूरा आज एनालाइज कर लेते हैं, जिसमें आपको मदद मिल जाएगी दोस्तों इन्वेस्ट करने में। दोस्तों, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसको आपको अच्छे अच्छे स्टॉक का एनालाइज करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है अमरा राजा बैटरी। अमरा राजा बैटरी से पता चल गया होगा दोस्तों आपने, ये बैटरी का काम करती है, ये बैटरी बनाती है, इसका बिजनेस है बैटरी बनाने का। दोस्तों, 32 देशों में इसका निर्यात करती है ये अपनी बैटरी को, बहुत होते हैं दोस्तों 10-32 देशों में इसका निर्यात जाता है, प्लस भारतीय रेलवे में ये बैटरी देती है अपनी। उसके बाद तेल, तेल के जितने प्लांट है या तेल के और कहीं पर भी, वहाँ पर ये अपनी बैटरी देती है। गैस एजेंसियों में अपनी बैटरी देती है ये। उसके बाद मोबाइल टावर, मोबाइल टावरों में मैक्सिमेट्री से अमरा राजा बैटरी लगी रहती है। दोस्तों, काफ़ी जगह से इसको अच्छी इनकम आ जाती है। उसके बाद इसका मार्टी कैप्चर 8719 करोड़ का मार्टी कैप्चर, दोस्तों एक स्मॉल कंपनी माना जाएगा इसको। स्टॉक पे 16.8 और जो ROCE है 15.6% और जो ROE है 11.6% और जो बुक वैल्यू है दोस्तों 266 की और जो फेस वैल्यू है 1। जो कंपाउंड करें इसकी सेल एंड ग्रोथ, 10 साल में 14% की सेल में ग्रोथ हुई है, 5 साल में 10% की और 3 साल में 9% की। और जो कंपाउंड करे प्रॉफिट एंड ग्रोथ, 10 साल में 9% की, 5 साल में 2% की और 3 साल में भी 2% की। और जो CGR बढ़ी है इसकी, 10 साल में 12% की CGR बढ़ी है दोस्तों, 5 साल में 9 माइनस और 3 साल में 7 माइनस। और जो रिजर्व देगी कंपनी के पास, अच्छा रिजर्व है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी ने अच्छा रिजर्व कर रखा है दोस्तों। रिजर्व 4534 कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग देखिए 126 करोड़ की बोरिंग है। जो प्रमोटरों के पास इसकी होल्डिंग है 28.06 और जो FL के पास 18.34 और जो DL के पास 10.82 और जो पब्लिक के पास 42.77। और जो इसका ये दोस्तों जिसके क्वालिटी रिजल्ट देखें, जून 2022 में 2620 की सेल हुई कंपनी को, जो नेट प्रॉफिट हुआ है जून 2022 में 131 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। और जो साल का देखें, मार्च 2021 में 7150 करोड़ थी, जो बढ़कर मार्च 2022 में 8696 करोड़ हो गई। और जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है इसका 510 दोस्तों, और जो इसने हाई किया 1000 के लगभग इसने हाई किया। दोस्तों, इसका बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, सबसे अच्छी बात है इस कंपनी का बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टाइम की कंपनी है दोस्तों। क्योंकि ई व्हीकल भी आएंगे, उसमें भी इसकी बैटरी डलेगी, मैक्सिमम इसका बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2-5% का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकते हैं। अभी दोस्तों 510 का कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं शेयर है इसका, 510 का शेयर हो जाए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो